Hello students, our today's topic is Faraday's law. How we can solve the Faraday's law numericals. देखिए बच्चों हमें पता है Faraday's two law हमारे पास होते हैं, Faraday's first law and Faraday's second law. But जब हम लोग उनके numericals को solve करने की कोशिश करते हैं, then it will become a time consuming process. So now I will use a trick. In that trick you can find out your answers of numerical of based on Faraday's law very fast. You have to remember only two things. क्या क्या याद रखना है आप लोगों को? देखिए सिर्फ दो ही चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है. First, number of equivalent will be equal if equal charge is passed. यानी अगर हम लोग किसी डिफरेंट इलेक्ट्रोड में से इक्वल चार्ज पास करते हैं तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे किसके, इलेक्ट्रोलाइट के जो डिपॉजिट होता है वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे. क्लियर? सेकंड थिंग जो हमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है, वन फेराडे चार्ज इज कैपेबल टू डिपॉजिट वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. यानी आप किसी सर्किट में से वन इक्विवेलेंट चार्ज पास करते हो तो आपको जो सब्सटेंस मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा, उसका कितना मिलेगा, वन इक्विवेलेंट मिलता है. देखिए इन दोनों बातों को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, सपोज हमारे पास दो सेल्स हैं और दोनों सीरीज में कनेक्ट है. क्लियर? एक सेल जो है उसके अंदर NaCl फील्ड है और जो दूसरा सेल है उसके अंदर कॉपर सल्फेट है. तो देखिए फर्स्ट सेल में अगर हम लोग देखें समझे तो NaCl है, मोल्टन NaCl है, एंड सेकंड जो सेल है उसके अंदर हमारे पास कॉपर सल्फेट है, एक्वस कॉपर सल्फेट है सपोज. तो हम लोग कहेंगे देखिए फर्स्ट सेल में यहां पे क्या डिपॉजिट होगा, कैथोड पर डिपॉजिट होगा सोडियम, और यहां पे कौन सी गैस रिलीज होगी, क्लोरीन. और हमें पता है यहां पे क्या डिपॉजिट होगा सेकंड सेल के अंदर, सेकंड सेल में डिपॉजिट होगा कॉपर, और यहां से जो गैस रिलीज होगी वो कौन सी होगी, ऑक्सीजन होगी. अब सपोज कीजिए हम इन दोनों सेल्स को क्या करते हैं, एक सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं. क्लियर? अब मैं जितना भी चार्ज पास करूंगा इसमें से, अगर हम लोग चार्ज पास करते हैं तो जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उन सभी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाला जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे. क्लियर? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मीन्स मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, ये होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. तो जैसे सपोज करो मैं कहता हूं यहां पे 2.3 ग्राम सोडियम डिपॉजिट हुआ, कितना ग्राम सोडियम डिपॉजिट हुआ, 2.3 ग्राम, और हमें बताना है यहां से जो क्लोरीन होगी उस क्लोरीन का मास कितना होगा सपोज, या फिर यहाँ पे जो कॉपर है वो डिपॉजिट कितना हुआ होगा. तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं सोडियम जो है उस सोडियम के कितने इक्विवेलेंट यहाँ पर डिपॉजिट हुए हैं. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकाले जा सकते हैं, सोडियम का मास कितना है 2.3 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट सोडियम का कितना होता है बेटा, सोडियम का इक्विवेलेंट वेट होता है दैट इज 23. तो हमें पता चल गया 0.1 इक्विवेलेंट है. ऑब्वियसली अगर सोडियम के 0.1 इक्विवेलेंट है तो क्लोरीन के भी 0.1 इक्विवेलेंट होंगे, कॉपर के भी 0.1 इक्विवेलेंट होंगे, और ऑक्सीजन के भी क्या होंगे, 0.1 इक्विवेलेंट ही होंगे. नाउ अगर हमें क्लोरीन का मास फाइंड आउट करना है, मास ऑफ क्लोरीन, तो मास ऑफ क्लोरीन कितना होगा, देखिए मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने होंगे क्लोरीन के, 0.1 इनटू क्लोरीन जो है उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, क्लोरीन का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है 35.5 ग्राम. तो ये अपने पास आंसर आ गया 3.55 ग्राम. इसी तरह मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है मास ऑफ कॉपर, तो कॉपर के भी इक्विवेलेंट कितने होंगे, 0.1 इक्विवेलेंट होंगे, तो 0.1 इक्विवेलेंट. अब देखिए 0.1 इक्विवेलेंट है हमारे पास और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 31.75 ग्राम. सो योर आंसर वुड बी 3.175 ग्राम.
ये हमारे पास कॉपर का मास हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है. वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन. हाउ वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन? मास ऑफ ओ टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ओ टू, दैट इज 0.1 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ओ टू. इक्विवेलेंट वेट ऑफ ओ टू इज 8 ग्राम, सो दैट इज इक्वल टू 0.8 ग्राम. क्लियर है बच्चों? देखो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. और देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए इसमें कितना चार्ज पास किया गया था, हाउ मच चार्ज वाज पास थ्रू दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कितना चार्ज पास किया गया था, तो आपको पता है 1 फैराडे चार्ज जो होता है दैट इज कैपेबल टू डिपॉजिट 1 इक्विवेलेंट. यानी किसी भी सब्सटेंस का 1 इक्विवेलेंट अगर हमें डिपॉजिट करना है तो हमें कितना फैराडे चार्ज पास करना पड़ता है? 1 फैराडे. यहाँ पे 0.1 इक्विवेलेंट सभी का डिपॉजिट हो रहा है 0.1 इक्विवेलेंट, तो इट मीन जो चार्ज पास किया गया था दैट वॉज क्यू वॉज 0.1 फैराडे. अगर आप इसे कूलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू कूलम, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 96500 कूलम. क्लियर? तो देखिए बेटा बस आप लोगों को सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है. वो दो बातें क्या है? अगर आप किसी सर्किट में से इक्वल चार्ज पास करते हो तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे दैट वुड बी ऑल्सो भी इक्वल, वो भी इक्वल होंगे. क्लियर? यानी इसी इलेक्ट्रोड पर 0.1 इक्विवेलेंट है तो इस पर भी 0.1 इक्विवेलेंट होगा, इस पर भी 0.1 इक्विवेलेंट होगा, इस पर भी 0.1 इक्विवेलेंट होगा. दूसरी चीज जो याद रखनी है चार्ज की याद रखनी है कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से 1 फैराडे चार्ज पास करते हो तो उस सॉल्यूशन में उस इलेक्ट्रोलाइट का जो डिपॉजिट होगा वो कितना डिपॉजिट होगा? 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है. क्लियर? अब देखिए इसी चीज को लेते हुए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं. आप सोचिए इसी क्वेश्चन को हम लोग मॉडिफाई करते हैं और मान लीजिए यहां पर सोडियम जो डिपॉजिट हुआ वो डिपॉजिट हुआ 4.6 ग्राम. सपोज यही क्वेश्चन है, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फर्स्ट सेल में NaCl है और सेकंड सेल में कॉपर सल्फेट है और फर्स्ट सेल में जो सोडियम डिपॉजिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 4.6 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है. और हमें फाइंड आउट करना है जो यहाँ पे O2 जो है, ये O2 है, इस O2 का sp पर वॉल्यूम क्या है? सेकंड सेल में जो O2 निकल रही है उसका sp पे वॉल्यूम हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है. क्लियर? और दोनों सेल जो है वो कनेक्टेड है सीरीज में. तो देखिए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं 4.6 ग्राम. 4.6 ग्राम सोडियम मीन्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास बाय इक्विवेलेंट वेट. तो मास कितना आ रहा है की बार 4.6 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना सोडियम का, दैट इज 23. सो योर आंसर इज हाउ मेनी इक्विवेलेंट? 0.2 इक्विवेलेंट हमें जो मिल रहे हैं वो कितने इक्विवेलेंट मिल रहे हैं? 0.2 इक्विवेलेंट मिल रहे हैं. अब देखिए ऑब्वियसली फिर O2 जो होगी उसके भी कितने इक्विवेलेंट होंगे? 0.2 इक्विवेलेंट. हम लोग चेक कर लेते हैं 0.2 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा. तो 0.2 इक्विवेलेंट का मास कैलकुलेट कर सकते हो ऑक्सीजन का, ऑब्वियसली आप लोग कर सकते हो. तो 0.2 इक्विवेलेंट है, करेक्ट? और इक्विवेलेंट वेट कितना होता है ऑक्सीजन का? 8. तो जो मास ऑफ ऑक्सीजन आएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन वुड बी 0.2 × 8, सो 1.6 ग्राम. 1.6 ग्राम मास आ गया ऑक्सीजन का, बट हमें तो एसटीपी पर वॉल्यूम चाहिए. तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का जो हम लोग कहें ऑक्सीजन जो है उसका 32 ग्राम होता है, मीन्स 1 मोल. If we are taking 32 gram oxygen means 1 mole oxygen, then it occupied 22.4 decimeter cube volume at STPP. तो हम लोग कह सकते हैं कि 1.6 gram होगा, यानी 1 gram होगा, तो वो कितना occupy करेगा? 22.4 divided by 32. और अगर हम लोग use करते हैं कितना, हम लोग use करते हैं 1.6 ग्राम, तो 1.6 ग्राम कितना ऑक्यूपाई करेगा? 1.6 ग्राम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 डिवाइड बाई 32 इंटू 1.6, सो दैट इज 2. तो 2 यहाँ पे आ गया 11.2. तो योर आंसर इज 1.12 डेसीमीटर क्यूब. सो आंसर इज 1.12 डेसीमीटर क्यूब. तो बेटा इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या मास या फैराडे लॉ के क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ नहीं लगाना, सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं सेम चार्ज पास करेंगे तो सेम होंगे, और दूसरी बात 1 फैराडे जो होता है दैट इज कैपेबल टू डिपॉजिट 1 इक्विवेलेंट. ओके, थैंक यू.